मैथ्स मैजिक बुक क्लास फोर्थ का चैप्टर 8 कार्ड्स एंड व्हील्स पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे आगे के टॉपिक से और बाकी के सारे टॉपिक पार्ट 1 में ऑलरेडी हैं। इस वीडियो में स्पेशली हम देखेंगे यूज ऑफ कंपास, मतलब राउंडर, जिससे कि आप एकदम प्रिसाइज सर्कल बना सकते हैं। दलजीत की डिज़ाइन। दलजीत हैज़ मेड दिस डिज़ाइन यूजिंग अ कंपास। दलजीत ने इस तरह से कंपास को यूज़ करके ऐसे राउंड राउंड बना रहा है, तो उसने इस तरीके से देखे एक सुंदर सी डिज़ाइन बनाया है। उसने क्या किया, कंपास को लिया, कंपास में एक टिप होती है जिसको सेंटर में रखा जाता है और सेकेंड में पेंसिल को फिक्स किया जाता है। यहाँ पर इसको टाइट करने के लिए एक व्हील बना होता है, इसको आप रोटेट करके मतलब घुमाकर पेंसिल को टाइट कर सकते हैं। और इस प्लेस से ये जो कंपास के जो ये दोनों लेग्स हैं, इसको कितना भी स्प्रेड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जितनी आपको रेडियस रखनी हो। तो किस तरह से बनाया होगा, इस तरह से एक सर्कल के हम कहीं भी एक पॉइंट ले लेंगे और इस तरह से हम राउंडर को यानी कंपास को रखेंगे और इसको जैसे ही घुमाएंगे अपने कॉपी में तो वैसा ही सर्कल बनेगा। तो हम देखते हैं कि दलजीत ने बनाया कैसे होगा। इस तरह से आप इसको नोटबुक में रोटेट करेंगे तो ये सर्कल बन जाएगा। देख पा रहे होंगे आप, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरह का कंपास है। इसके अंदर पेंसिल की जो टिप है, यहाँ पर पेंसिल टिप है और यहाँ पर ये शार्प टिप है। तो आप देखेंगे कि सेंटर से इसको हटाना नहीं है, सेंटर चेंज नहीं होना चाहिए, किसी भी सर्कल का सेंटर एक ही होता है। तो हम देखते हैं दलजीत ने क्या किया होगा। सबसे पहले पेज पर एक पॉइंट लिया होगा इस तरह से, फिर लिया राउंडर को और इससे एक सर्कल बना दिया, फिर थोड़ा सा उसकी रेडियस को कम किया दबाकर इसको और दूसरा सर्कल बना दिया, फिर और थोड़ी सी इसकी रेडियस कम की, तीसरा सर्कल बना दिया। तो इस तरह से बना दिया और उसके बाद उसने क्या किया, इसमें कलर फिल कर दिया। तो बिल्कुल वैसा ही बन गया जैसे दलजीत के डिज़ाइन है। नेक्स्ट, His sister came, अब उसकी बहन आई, and started making more designs with him, और उसके साथ और डिज़ाइन बनाने लगी। देखिए उसकी डिज़ाइन कितनी ब्यूटीफुल है। Do you want to make such designs? क्या आप भी ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं? To make such designs, you will need to use a compass. तो आपको यदि ऐसे डिज़ाइन बनाना है ना, तो आपको कंपास यूज़ करना पड़ेगा। देखिए कैसे, एक पॉइंट लिया, एक सर्कल बनाया पहले दलजीत की सिस्टर ने, एक लाइन ले ली जो कि सेंटर से पास होकर गई है, एक और लाइन ले ली जो भी सेंटर से पास होकर गई है। अब फिर क्या किया, एक और पॉइंट लिया यहाँ से यहाँ तक के बीच में, यानी हाफ सर्कल के बीच में, और यहाँ पर रखी टिप ऑफ कंपास और पेंसिल से लेकर एक सर्कल बना दिया। सिमिलरली इस साइड भी वैसा ही किया, फिर यहाँ पर लिया और एक सर्कल बना दिया। ये जो है ये इस सर्कल का सेंटर है, ये वाला इस सर्कल का सेंटर है, ये वाला इस सर्कल का सेंटर है और ये वाला इस सर्कल का सेंटर है, और सबसे बड़े ये बाहर वाले सर्कल का सेंटर कहाँ है, ये है। और फिर उसने इसमें कलर फिल कर दिया तो बन गई ना ब्यूटीफुल डिज़ाइन। इस तरीके से हम बहुत सारे डिज़ाइंस बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको सेंटर बना के यहाँ पर एक और सर्कल बना सकते हैं, इसको सेंटर बनाकर एक और सर्कल बना सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये 1, 2, 3, 4 जो अंदर वाले चारों सर्कल है ना, इनकी रेडियस एक जैसी रखना है और बाहर वाले सर्कल की रेडियस ज़्यादा रखना है। यदि इनको छोटा बड़ा करोगे ना तो ये डिज़ाइन नहीं बन पाएगी, इसलिए रेडियस का ध्यान रखना है और उसको छोटा बड़ा नहीं करना है। तो हम देखेंगे यूजिंग अ कंपास, कंपास कैसे यूज़ करना है। Have you seen a compass before? कि आपने पहले कभी कंपास देखा है? तो हम कहेंगे yes, we have seen. How will you use this to make a circle? तो आपने इससे कैसे एक सर्कल बनाया? तो
तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप क्लास 3 में पढ़ चुके हैं। ओपन अ कंपास, कंपास को ओपन करना मतलब इसको थोड़ा स्ट्रेच करना कहलाता है, ओपन करना। ये हम इस तरीके से तो नहीं रखते हैं ना अपने पेंसिल बॉक्स में, तो इसको ज्योमेट्री बॉक्स में, तो इसको हम पहले ओपन करेंगे। प्रेस द टिप ऑफ द कंपास ऑन द पेपर, और उसकी जो टिप होती है उसको पेपर पर रखेंगे, यानी वर्टिकल एकदम। होल्ड द कंपास फ्रॉम द टॉप, और उसको हम यहाँ से होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे। अब विदाउट मूव, और पेंसिल फिक्स कर लेंगे। विदाउट मूविंग द टिप ट्राई टू मूव अ पेंसिल अराउंड, और अब इस टिप को जहाँ पर भी आप रखोगे, जिस पॉइंट पे रखोगे, उसे मूव नहीं करना है और घुमा देना है चारों तरफ ऐसे। देन यू विल गेट अ सर्कल, आपको सर्कल मिलेगा। डू यू गेट अ सर्कल? तो यस, वी विल गेट अ सर्कल। लुक फॉर अ मार्क वेयर यू हैड कैप्ड द टिप ऑफ द कंपास। अब आपने वो मार्क जहाँ पर इसकी ये टिप को रखी। दिस मार्क इज द सेंटर ऑफ योर सर्कल। मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो जो टिप जहाँ रखेगी, जिससे एक छोटा सा पॉइंट बनेगा, वही पॉइंट बीचों बीच का पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको समझने के लिए ये देखिए, यदि कोई ये सर्कल है तो ये इसके बीचों बीच का पॉइंट, थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा बनाया है, ये बिल्कुल पॉइंट जैसा बनेगा, ओ जैसा नहीं। तो ये होगा इसका सेंटर, ओ हमने सेंटर मान लिया, तो यही क्या है, इसका सेंटर है। और ये जो बाहर की सरफेस दिख रही है आपको सर्कल की, इसको कहते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस मतलब ये इस तरह से जो बाहर की है। यहाँ सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक यदि एक लाइन जो ज्वाइन करती है, ये क्या कहलाती है? इट्स कॉल्ड रेडियस। आप जानते हैं रेडियस। अब यदि ऐसा करें कि एक लाइन बनाएं जो कि सरकमफेरेंस के दो पॉइंट से टच करे, पर ये सेंटर से जाती हो, ये ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है। तो मुझे आप बता सकते हैं ना कि ये रेडियस से बड़ी है कि छोटी है? ऑफ कोर्स ये रेडियस से बड़ी है, और कितनी बड़ी है, डबल लग रही है ना। ये देखो, ये एक और एक दो रेडियस मिलकर बनी है, तो ये दो रेडियस के बराबर लग रही है मुझे, तो ये हुई रेडियस से बड़ी ये वाली लाइन। तो ये जो लाइन बनी है इसको हम बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर रेडियस से डबल होती है, डबल लेंथ की होती है, दोगुनी होती है रेडियस से। अब मान लो एक और लाइन है सर्कल के अंदर, जो डायमीटर की तरह सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट को टच तो कर रही है, लेकिन देखो सेंटर से होकर ना जाए, सेंटर से होकर नहीं जाएगी, तो उसको हम कहते हैं कॉर्ड। इसको क्या कहते हैं? कॉर्ड। तो ये सेंटर, सर्कमफ्रेंस, डायमीटर, रेडियस और कॉर्ड, ये आपके लिए नई चीजें हैं, ये आपको सीखना है। इज दिस सर्कल बेटर देन द वन यू मेड अर्लियर विदाउट अ कंपास? ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल एंड मेजर इट। तो ये बताइए कि पहले जब आप बिना कंपास से सर्कल बनाते थे, स्टिक से या कैसे भी, और ये जो कंपास से बनाते हैं, तो कौन सा ज़्यादा अच्छा है? आप ऑफ कोर्स ये बताएंगे कंपास वाला ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे बिल्कुल एक्यूरेट बनता है। तो आप भी अपनी नोटबुक में बनाइए, और उसके बाद उसकी रेडियस को मेज़र कीजिए रूलर से। नाउ यू कैन मेक योर ओन डिज़ाइन लाइक दलजीत हैज़ मेड। हाउ मैनी डिड यू मेक? तो आप भी क्या कर सकते हैं? हाँ, इसका आंसर हम दे देंगे यस, दिस इज़ बेटर देन द अर्लियर वन, कि हाँ ये पहले वाले से ज़्यादा अच्छा बना है, यानी कंपास वाला ज़्यादा अच्छा बना है। अब ये आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये पूछा है कि नाउ यू कैन मेक योर ओन डिज़ाइन। तो जैसे दलजीत और उसकी सिस्टर ने बनाया ना, आप भी बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं। किसका यूज़ करके? कंपास का यूज़ करके बहुत सुंदर डिज़ाइन बनेंगी। तो क्या आप बना सकते हैं? तो यहाँ हम बना सकते हैं। हाउ मैनी डिड यू मेक? कितनी बना सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं आई कैन मेक मैनी डिज़ाइंस, मैं बहुत से डिज़ाइन बना सकता हूँ। गैस हाउ दिस डिज़ाइन हैज़ बीन मेड। तो ये डिज़ाइन कैसे बनी होगी, गैस करिए। यूज़ अ कंपास टू मेक अ सिमिलर वन इन द बॉक्स। यहाँ पर आपके बुक में एक बॉक्स है, थोड़ा सा फेड हो गया, ये बना है वो बॉक्स, और इस बॉक्स में आपको ये डिज़ाइन सेम बनाना है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपना राउंडर यानी कंपास लेंगे, और उससे आप क्या करेंगे, इसको घुमा के एक सर्कल बना देंगे। अब आप क्या करना,
इसको हटा देना और कंपास की टिप लेना यहाँ कहीं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सर्कल बना देना, बस इतना ही, पूरा मत करना। ये कंप्लीट सर्कल होता है इतना पूरा, लेकिन आप इसको सिर्फ इतना सा बना देना। फिर इसको यहाँ से उठाकर यहाँ रखना, और आप यहाँ पर लेना सेंटर, और यहाँ से होते हुए एक सर्कल बना देना। आप समझ गए होंगे, तो देखिए एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन उसके जैसी सिमिलर डिज़ाइन तो हम बोल ही सकते हैं, नॉट एग्जैक्ट बट सिमिलर डिज़ाइन हमने बना ली है। तो आप इस तरीके से सोचिए कितनी डिज़ाइंस बना सकते हैं। इट अ सर्कल, क्या ये सर्कल है? अब ये है नैना, नैना वॉज मेकिंग अ सर्कल, नैना सर्कल बना रही थी। रवि आस्क्ड हर फॉर एन इरेजर, अब रवि को उस समय उससे इरेजर चाहिए थी तो उसने इरेजर मांगा। शी कैप्ट हर कंपास, तो उसने इतना ही सर्कल बनाई थी तो उसने अपना कंपास साइड में रखी और उसको रबर दे, इरेजर उसको दे दी। अब उसके बाद देन शी स्टार्टेड अगेन टू कंप्लीट हर सर्कल, उसके बाद उसने फिर से कंपास उठाई और अब वो अपना सर्कल फिर से बनाने लगी। अधूरा था ना, तो उसको पूरा करने के लिए बनाने लग गई। बट शी गॉट दिस, और ऐसा बन गया उसका सर्कल। आप सोच सकते हैं क्यों ऐसा हुआ होगा, परफेक्ट क्यों नहीं बना, जबकि हमने तो बोला कि कंपास से बनाओ तो बहुत परफेक्ट सर्कल बनता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो गेस करना है आपको, यहाँ पर मतलब अनुमान लगाना है। व्हाई डिड नैना गेट सच अ ड्राइंग, डिस्कस, नैना ने को ऐसी ड्राइंग क्यों मिली? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा आंसर है तो मैंने ऊपर लिख दिया है, नैना गॉट सच अ ड्राइंग बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द टिप ऑफ द कंपास बाय हर। नैना की ड्राइंग ऐसी इसलिए बनी क्योंकि उसका जो उसके जो कंपास की टिप थी वो शिफ्ट हो गई है, मतलब थोड़ी सी अपनी जगह से हट गई है। कैसे? क्योंकि पहले ना उसने इस जगह पर रख के सर्कल बना रही थी, और उसके बाद फिर उसने इरेजर दिया तो कंपास को उसने रख दिया था, और फिर वो टिप को करेक्ट जगह पर रखना भूल गई, दूसरी जगह रख दी तो उसका सर्कल बिगड़ गया। कैन अ सर्कल हैव मोर देन वन सेंटर, तो क्या किसी सर्कल के एक से ज़्यादा सेंटर हो सकते हैं क्या? तो हम लिख देंगे नो नॉट एट ऑल। इस चीज़ से तो यही पता चल रहा है कि एक सर्कल का एक ही सेंटर होगा। हाँ, बहुत सारे सर्कल्स का भी एक सेंटर हो सकता है, जैसे दलजीत की डिज़ाइन बनी थी फर्स्ट वाली जिसमें कलर फिल किया था हमने, तो उसमें एक ही सेंटर था सारे सर्कल्स का, लेकिन एक सर्कल के बहुत से सेंटर बिल्कुल नहीं हो सकते। अनादर डे नैना वॉज यूजिंग अ कंपास टू मेक सर्कल, अगले दिन नैना ने फिर से सर्कल बनाना ट्राई की कंपास के थ्रू, बट इट केम आउट लाइक दिस, और फिर से उसका सर्कल बिगड़ गया। इस समय तो वो डिस्टर्ब भी नहीं हुए, उसने कंपास भी नहीं रखी, तो आपको क्या लगता है क्या कारण होगा कि इस तरह बिल्कुल स्पाइरल जलेबी की तरह उसका सर्कल बन रहा है? सो डिड एनी वन ऑफ यू एवर गेट अ शेप लाइक नैना, तो क्या आपने भी कई आपने भी बनाया होगा, आपसे भी नैना की तरह बिगड़ता है क्या? फिर सोची नैना ने क्या हुआ होगा, फिर नैना को समझ में आया ओ द स्क्रू ऑफ द कंपास इज लूज, मैंने बताया यहाँ पर एक स्क्रू होता है, यहाँ पर भी होता है, तो ये जो स्क्रू है कई बार ये दोनों ही, यहाँ पर तो ये वाला लूज हुआ था, कई बार ये भी हमको स्क्रू ड्राइवर से टाइट करना पड़ता है, और ज़रा से हमें ये जो रेडियस है ना इसकी अपने आप कम ज़्यादा हो जाती है, तो हल्का सा फोर्स लगा और कम हो जाती है, हमको पता भी नहीं चलता। तो यदि ऐसा होगा तो ऐसे ही सर्कल बनेगा, मतलब बिगड़ जाएगा। सो लेट मी टाइटन इट, तो मुझे टाइट करने दो। उसने टाइट की एंड नाउ माई कंपास विल नॉट स्लिप, अब मेरा कंपास स्लिप नहीं करेगा। फाइंड द सेंटर, सेंटर फाइंड करना है, कोई सर्कल मान लो आपको बना बनाया मिला है, आप उसमें सेंटर को कैसे ढूंढेंगे? सादिक एंड समीना वॉन्ट टू मेक सर्कल्स फॉर देमसेल्फ, ये सादिक और समीना है ये दोनों सर्कल बना रहे हैं अपने अपने लिए। आई विल मेक इट विथ अ कंपास, तो सादिक बोलता है कि मैं कंपास से बनाऊंगा। नैना बोलती है कि नो आई विल ट्रेस विथ अ बैंगल, मैं बैंगल से ट्रेस करके बनाऊंगी। दोनों ने बनाए, दोनों ने बहुत अच्छे सर्कल बना लिए, क्योंकि कंपास से भी बना सकते हैं और बैंगल से भी बना सकते हैं। सो देन दे कट देयर सर्कल्स, और उसके बाद उन्होंने जिस पेपर पे बनाया ना उसके चारों तरफ उसके सर्कम फ्रेंड से उन्होंने पेयर ऑफ सीजर्स ली, कैची ली और काट लिया, दोनों के सर्कल बहुत अच्छे बने। सादिक कहता है सी माई सर्कल हैज़ अ सेंटर, देखो मेरे सर्कल में तो बीच में एक पॉइंट मतलब सेंटर है,
बट वेयर इज द सेंटर ऑफ योर सर्कल, पर तुम्हारे सर्कल का सेंटर कहाँ है? क्योंकि उसने बैंगल से प्रेस की थी ना, तो उसको सेंटर बीच का कैसे मिलेगा? तो ये कहती है समीना, डोंट वरी, सी हाउ आई फाइंड इट, चिंता मत करो, देखो मैं कैसे ढूंढ के बताती हूँ इसका सेंटर। शी फोल्डेड हर सर्कल इनटू हाफ, सबसे पहले उसने अपना ये सर्कल ली, उसको ठीक बीचों बीच से ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना, मान लो इसको मोड़ के ऐसा मोड़ो कि बिल्कुल एक के ऊपर एक सिमेट्रिकल आ जाए, मतलब बिल्कुल ना दिखे, इसके ऊपर इसको मोड़ दी। और फिर क्या करेगी, अब जो मुड़ा हुआ है उसको एक बार फिर बीच से मोड़ दी, ठीक है, जैसे कि एक चौथाई हिस्सा हम 1/4 करते हैं ना, वैसे उसने मोड़ दी। देन शी फोल्डेड इट अगेन एंड लाइक दिस, एक और बार उसने मोड़ दिया ना, दो बार मोड़ा, एक बार ऐसा और एक बार ऐसा, जैसे एरो बने हुए हैं। उसके बाद उसने ओपन करी, शी ओपन द फोल्डेड सर्कल, उसके बाद जो उसने जैसे ही ओपन करी, इस तरह से उसको लाइंस मिली, तो बीचों बीच में जो पॉइंट मिला, दोनों लाइन का जो ज्वाइनिंग पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइंस मिलती है, तो उसने बोला कैन यू सी टू क्रीज्ड लाइंस क्रॉसिंग ईच अदर, तो उसने बोला कि देखो मोड़ने पर जो दो लाइन बन गई है पेपर में, उसको क्रीज्ड लाइन कहते हैं, तो जो जो दो क्रीज बन गई है उसका, वो एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे दिख रहा है, क्रॉस कर रहे हैं? सादिक ने कहा यस। तो समीना ने कही सी आई पुट अ पॉइंट वेयर दीज लाइन्स क्रॉस, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक पॉइंट बना दिया पेंसिल से जहाँ पर वो दोनों क्रीज्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी। दिस इज़ द सेंटर ऑफ माई सर्कल, और ये ही मेरे सर्कल का सेंटर है। नाउ यू ट्रेस अ सर्कल ऑन अ पेपर यूजिंग अ बेंगल, कट इट देन फाइंड इट सेंटर लाइक समीना डिड, तो जैसे समीना ने किया ना वैसे ही आप भी बेंगल से सर्कल को ट्रेस करिए, फोल्ड करिए, सेंटर को फाइंड करिए। वी कैन ऑल्सो मेक द डिज़ाइन ऑन पेज 88 लाइक दिस, तो ये डिज़ाइन आपको याद आ रहा होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, जो कि पेज 88 आपकी बुक पर दिया, बुक में दिया हुआ है। हाउ डिड यू डू इट, तो हमने इसको कैसे किया था, इसको हमने डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले हमने एक सर्कल बना लिया था, ये बीच में उसका सेंटर था, और उसके बाद यहाँ पे मान लो कि दो कंप्लीट सर्कल बना लिए यहाँ से, और यहाँ से भी हम रख के कर सकते थे, दो कंप्लीट सर्कल बना दिए, ये एक और तरीका बहुत अच्छा है। और इसके बाद फिर आधे आधे सर्कल को इन्होंने रब कर दिया, तो वही सेम डिज़ाइन मिल गई। बैलेंसिंग आर्ट, सॉरी बैलेंसिंग एक्ट, अगला टॉपिक है बैलेंसिंग एक्ट, मतलब ये कौन सा कारनामा दिखा रहे हैं, बिल्कुल एक फिंगर पे बैलेंस करने वाला। कैन यू बैलेंस अ प्लेट ऑन योर फिंगर, क्या अपने फिंगर पर एक प्लेट को बैलेंस कर सकते हैं, करके देखना, एक उंगली पर एक चौड़ी सी प्लेट को रख कर देखना गिरती है या फिर आप उसको बैलेंस कर पाते हैं। तो ये कह रहा है आई विल बैलेंस इट, मैं इसको बैलेंस करूंगा, लेकिन क्या हुआ, गिर गई। तो ये बोला ओप्स आई विल ट्राई अगेन, मैं ट्राई करता हूँ फिर से। तो ये कहता है आई थिंक आई हैव फाउंड द सेंटर ऑफ द प्लेट, मुझे ऐसा लगता है, पर इसने बैलेंस कर लिया देखो। तो वो बोलता है कि शायद मैंने इस प्लेट का सेंटर फाइंड कर लिया है, यानी सेंटर मैंने इसका ढूंढ लिया है। यू ऑल्सो ट्राई टू बैलेंस अ प्लेट और अ राउंड लिड ऑन योर फिंगर, आप भी किसी प्लेट को या गोल ढक्कन को अपनी फिंगर पर आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। वेयर डज इट बैलेंस, तो बताओ ये बैलेंस कहाँ पर होगा, ये किनारे पर रखने से बैलेंस हो जाएगा, कहीं और भी रखने से नहीं, जब आप इसके बिल्कुल बीचों बीच यानी सेंटर पे रखेंगे ना तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लिख देते हैं वेयर डज इट बैलेंस, मतलब कहाँ ये बैलेंस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एट इट्स सेंटर। तो हमने ये बता दिया है कैन यू बैलेंस ऑन योर फिंगर, पहले ये पूछा गया था, तो हाँ हम भी अपनी फिंगर पर प्लेट को बैलेंस कर सकते हैं। तो जैसे बॉटल के कैप को आप यूज़ को आप पहले ट्राई करेंगे, फिर प्लेट को आप करेंगे, यदि आप बिल्कुल उसको सेंटर से आप उसको फिंगर पर रखते हैं ना तो वो बैलेंस हो जाएगा। स्पिन द टॉप, आपको टॉप तो पता होगा, स्पिन द टॉप मतलब टॉप को घुमाना, स्पिनिंग मतलब अपनी ही जगह पे गोल गोल, आप अपनी जगह खड़े हुई और गोल गोल घूमिए, तो वो कहलाती है स्पिनिंग। तो यानी एक चक्कर नहीं लगाना है, एक राउंड नहीं लेना, अपनी जगह पर ही खड़े रह के गोल 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 घूमना है, वो क्या होती है स्पिनिंग। तो टॉप तो आप जानते होंगे, टॉप यानी जिसको आप लट्टू कहते हैं। तो यहाँ चार फ्रेंड्स हैं, जाकिर
नैना और गुड्डो वर गेटिंग बोर्ड. जाकिर, अप्पू, नैना और गुड्डो बोर हो रहे थे. इट वॉज रेनिंग सो दे कुड नॉट गो आउट टू प्ले. क्योंकि बारिश हो रही थी बाहर, तो ये चारों घर में बोर हो रहे थे और क्योंकि वो बाहर खेलने नहीं जा सकते थे. सडनली अप्पू सेड, अप्पू ने अचानक से कहा, लेट्स ईच मेक अ टॉप, चलो हर कोई एक टॉप बनाएंगे. तो वो टॉप कैसे बनाएंगे? दे टुक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, उन्होंने थोड़ा कड़क सा पेपर, मतलब कार्डबोर्ड लिया, ट्रेस्ड अ सर्कल ऑन इट, और उसको पहले एक सर्कल उस पर ट्रेस कर दिया. यानी मतलब हो सकता है पेंगल से बना लिया हो या किसी भी राउंड चीज से. देन दे मेड अ होल एंड पुट अ मैच स्टिक इन इट, और उसमें उन लोगों ने एक मैच स्टिक को फिक्स कर दिया एक होल बना के, जिसको जहाँ लगा उन्हें एक होल बनाया और फिक्स कर दिया. देखते कैसा बनाया चारों ने, तो देखते हैं कि नाउ एवरीबडी हैज़ एक्साइटेड टू स्पिन देयर टॉप्स विच लुक लाइक दिस. तो अब हर एक एक्साइटेड था अपने टॉप को ऐसे स्पिन करने के लिए. इसको आप जस्ट उंगलियों के बीच ट्विस्ट करके ज़मीन पे छोड़ेंगे तो ये गोल गोल घूमेगा टॉप बनाने के लिए, जो आपके खिलौनों में भी होता है. तो इस तरह से दिख रहा था, जाकिर का ऐसे दिख रहा था, अप्पू का, ये नैना का और ये गुड्डो का. तो आप देख रहे हैं सबने अलग अलग प्लेस पर होल किया है. अब आप समझ गए होंगे कि किसका टॉप घूमेगा और किसका नहीं घूमेगा. तो यहाँ पर है गेस में क्वेश्चन है, देखेंगे हुज टॉप विल नॉट स्पिन एट ऑल. ये देखो किसका टॉप है बिल्कुल स्पिन नहीं करेगा, ये वाला, ये या ये और ये तो थोड़ा कर भी जाए, लेकिन मुझे लगता है कि जाकिर एंड नैना स्टॉप विल नॉट स्पिन एट ऑल. जाकिर और नैना के तो बिल्कुल स्पिन नहीं करेंगे. हु स्टॉप विल स्पिन अ लिटिल, थोड़ा सा किसका स्पिन करेगा. तो मुझे वो लास्ट वाला लगा, गुड्डो का जो टॉप है वो स्पिन करेगा. गुड्डो स्टॉप विल स्पिन अ लिटिल, हु स्टॉप विल स्पिन द बेस्ट, और सबसे अच्छा किसका स्पिन करेगा. तो वो था अप्पू का, अप्पू स्टॉप विल स्पिन द बेस्ट. इन हु स्टॉप इज द स्टिक नियरेस्ट टू द सेंटर. अब किसका टॉप था जिसमें स्टिक जो थी, स्टिक का होल बनाया गया था स्टिक लगाने के लिए, वो बिल्कुल सेंटर पर या सेंटर के सबसे ज़्यादा नज़दीक था. तो वो था अप्पू का टॉप. इन अप्पू स्टॉप द स्टिक इज नियरेस्ट टू द सेंटर. हमने क्या लिखा, इन हुज के प्लेस पे क्या लिखा, अप्पू स्टॉप द स्टिक इज नियरेस्ट टू द सेंटर. मेक योर ऑन टॉप. तो अब ये एक्टिविटी है आपके लिए कि आप अपना टॉप भी इसी तरीके से खुद बनाइए. देखिए बहुत अच्छा घूमेगा यदि आप उसमें जो स्टिक लगाएंगे, ठीक है, वो कहाँ लगाएंगे, सेंटर पर लगाएंगे तो बहुत अच्छे से घूमेगा. यू ऑल्सो मेक योर ऑन टॉप एंड प्ले दिस गेम टू मेक द टॉप स्पिन वेल. वेयर विल यू मेक द होल. तो आप बताओ कि सबसे अच्छा स्पिन करे आपका टॉप तो आप कहाँ होल बनाओगे. तो आप कहाँ बनाओगे, एकदम सेंटर पर. तो बहुत अच्छा है कि अब आपका ये चैप्टर ओवर हो गया है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, ठीक है. तो अब ये हो गया एंड ऑफ पार्ट 2. थैंक यू.